नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम डोज में। मेरा नाम है भानु चौधरी और आज हम बात करने वाले हैं रागा का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। 5 प्रैक्टिस सेट हमारे हो चुके हैं, ये हमारा 6th नंबर का प्रैक्टिस सेट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। और ये प्रैक्टिस सेट जो इसकी मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बता देता हूँ कि बहुत दोस्तों का कमेंट्स आ रहा था कि इंग्लिश में कराइए, हिंदी में कराइए, ये मैंने बोथ लैंग्वेज में लिया है। दोनों लैंग्वेज इसमें दी गई हैं, इंग्लिश भी है और हिंदी भी है। तो दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट रागा का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट में कैसे क्वेश्चन है आपके लिए। अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि और ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आने वाले हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपका एग्जाम आ चुका है और आने वाला है नेक्स्ट मंथ में। तो आप उसके लिए मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेके आने वाला हूं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आती है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। दोस्तों चलो देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट में क्या है। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि हमारा प्रैक्टिस सेट दोनों लैंग्वेज में है आज के में, तो बात कर लेते हैं आज के प्रैक्टिस सेट की। पहला क्वेश्चन दे रखा है हमारा 21 है, माई म्यूजिक माई लाइफ इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ। जो माई म्यूजिक और माई लाइफ ऑटोबायोग्राफी है वो किसके द्वारा लिखी गई है, उसका जो रचयिता है मेरा संगीत मेरा जीवन किस चर्चित व्यक्ति की आत्मकथा है, मतलब बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी इसमें पूछी है, तो वो किसकी है वो आपको मैं बता दूं, वो पंडित रविशंकर की है। किसकी है? पंडित रविशंकर की। क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर लेते हैं, हु वॉज द फर्स्ट यूनियन टू रिसीव द मैगसेसे अवार्ड। पहला भारतीय कौन सा जिसे मैगसेसे पुरस्कार दिया गया था, तो कौन सा है जो पहला था, वो था दोस्तों आपको मैं बता दूं, वो थे विनोबा भावे थे आपके, जिन्होंने ये अवार्ड जीता था। क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है आपका, शिवा समुद्रम जलप्रपात किस नदी से गिरती है। कौन सा पूछा है दोस्तों, ये पूछा है द शिवा समुद्रम फॉल्स इज ऑन, जो आपका शिवा समुद्रम जलप्रपात है वो कौन सी नदी से गिरता है, यानी कौन सी नदी पे है। तो मैं आपको बता दूं वो कौन सी पे है, वो रिवर कावेरी पे है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर लेते हैं, क्रोमोसोम्स आर मेड ऑफ, गुणसूत्र बने होते हैं, जो क्रोमोसोम होते हैं आपके किससे बने होते हैं, तो वो बने होते हैं डीएनए एंड प्रोटीन से। किससे? डीएनए एंड प्रोटीन से। क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर लेते हैं, 25 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट्स इज नॉट मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जा सकती, नहीं होती है। तो मैं आपको बता दूं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आपका जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्ट करता है, चीफ ऑफ द एयरफोर्स वो भी करता है, चीफ ऑफ द आर्मी वो भी करता है, लेकिन स्पीकर ऑफ द लोकसभा वो प्रेसिडेंट के द्वारा नहीं की जा सकती, की जाती दोस्तों वो की जाती है जो आपकी प्राइम मिनिस्टर होते हैं और आपकी जो जिसकी जो सबसे ज़्यादा सीटें होती हैं, जो आपकी जो गवर्नमेंट होती है, जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है वो अपने बनाती है स्पीकर ऑफ द लोकसभा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की, इफेक्ट ऑफ एन इनडायरेक्ट टैक्स इज टू, अप्रत्यक्ष कर का प्रभाव होता है तो क्या होता है। देखिए दोस्तों इसका होता है इंक्रीज इज द प्राइस, क्या कीमतों में बढ़ना, जिसी किसी की गुड्स होते हैं आपके प्रोडक्ट होते हैं उनकी जो प्राइस होते हैं वो इंक्रीज होने लगते हैं। द फेमस रॉक कट टेम्पल्स एट एलिफेंटा आर एसोसिएटेड टू द, एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल कृतित मंदिरों का श्रेय दिया जाता है, तो किसको दिया जाता है, ये दिया जाता है दोस्तों चालुक्यों को। किसको दिया जाता है? चालुक्यों को। ये इसका क्या दिया जाता है? श्रेय दिया जाता है सीधा सीधा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की, इफ अ पेपर रैप टाइटली अराउंड द जॉइंट ऑफ ए ब्रास ट्यूब एंड हिज एंड इट्स वुडन हैंडल इज पुट इन ए फ्लेम देन द पेपर विल। देखिए पीतल का, पीतल की एक नली और उसके लकड़ी के हैंडल के जोड़ के गिर्द कसकर लपेटे हुए कागज को ज्वाला में रखा गया है कागज, तो उसे क्या बोलेंगे दोस्तों, उसे क्या होगा, उसका जो उसका क्या हो जाएगा, बर्न अराउंड द ब्रास ट्यूब, पीपल की नली के गिर्द जलेगा, क्या होगा, बर्न अराउंड द ट्यूब। क्वेश्चन नंबर 29 है, द बिगेस्ट आइलैंड इन इंडियन ओशियन इज, जो बिगेस्ट हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप है वो कौन सा है दोस्तों, वो है मेडागास्कर। क्या है? मेडागास्कर। कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर लेते हैं दोस्तों, और ये 30 क्वेश्चन था, ओरिजिनल चेंज टू टर्न द कांग्रेस पार्टी इन टू रियल मास पोलिटिकल पार्टी वॉज मेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन, कांग्रेस दल को वस्तु जन साधारण राजनीति दल में बदलने के लिए पहली बार संगठनात्मक परिवर्तन किया गया था, तो कब किया गया था, इसमें हमें क्या बताना है, ईयर बताना है, ये 1920 में किया गया था दोस्तों। क्या किया गया था? 1920 में किया गया था। 1920 से पहले 1990 में आपका जलियांवाला बाग हुआ था, और ये बहुत सारे पॉइंट्स मैं आपको साथ साथ बताता चलूंगा कि कब हुआ था, 1920 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 क्या किससे है आपका, रिलेटिव मैथ से है। देखते हैं मैथ्स के इसमें कैसे क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि एलसीएम दे रखा है दो नंबर, इसमें एलसीएम टू नंबर इज 14 टाइम्स,
ऑफ देयर एल सी एफ, द सम ऑफ एल सी एम एंड एल सी एफ इतने, वन नंबर दे रखा है, देन वॉट इज द अदर नंबर। तो आप हिंदी में पढ़ लीजिए, मैं आपको इसके सोल्यूशन बता देता हूँ, कहते कैसा करना, मेथड बता दूँ, सोल्व आप कीजिए। देखिए एल सी एफ टू टू नंबर का दे रखा है, उसे क्या मान लीजिए आप, एक्स मान लीजिए। एल सी एफ को क्या मान लीजिए आप, एक्स मान लीजिए। एल सी एफ जब आपने एक्स मान लिया तो एल सी एम क्या हो जाएगा दो नंबर का, तो एल सी एम क्या दे रखा है यहाँ पे, क्या हो जाएगा 14, एक्स हो जाएगा 14 टाइम्स है। तो एल सी एम और एल सी एफ का सम कितना दे रखा है, देखिए एल सी एम प्लस एल सी एफ का जो सम दे रखा है 1600 दे रखा है, 1600 दे रखा है। तो आप क्या कीजिए, जो वैल्यू दे रखी है एल सी एम और एल सी एफ की, इनको सम में पुट कर दीजिए। जब यहाँ पे पुट कर देंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी, जब एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 40 आ जाएगी, तो एल सी एफ क्या हो गया, एक्स की वैल्यू 40 आ गई, तो एल सी एफ क्या हो गया 40 हो गया। तो एल सी एम पूछा है तो एल सी एम कितना दे रखा है 14, हम एक्स की 14 में मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स की वैल्यू क्या है 40, और 14 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा दो नंबर का। अब इसमें पूछा है सेकंड नंबर, देखिए एलसीएम और एलसीएफ का फॉर्मूला क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब दो नंबर देखो एलसीएम एलसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये होता है इसका फॉर्मूला। देखिए आपको एलसीएम पता है, एलसीएम पता है, फर्स्ट नंबर पता है, हमें क्या निकालना है सेकेंड नंबर निकालना है। तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका सेकेंड नंबर आ जाएगा, मैंने बता दिया, वीडियो को पॉज करके आप कर लीजिए क्वेश्चन को, अगर समझ में नहीं आता है तब दोबारा से पूछिए। क्वेश्चन नंबर 32 दे रखा है, ए इज ट्वाइस एज फास्ट वर्कमैन एज बी एंड टुगेदर दे फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज। इसमें क्या है कि जो आपका ए कितना फास्ट है वर्कमैन से, इतना है कि ए इज ट्वाइस फास्ट है कितने से, बी से, एंड जब वो दोनों मिलके काम करते हैं तो किसी काम को 14 दिन में ख़त्म कर लेते हैं। तो ये पूछा है कि अकेला ए कितने दिन में कंप्लीट करेगा। देखिए इसमें क्या दे रखा है, देखिए लेट जो बी का मान लीजिए आप, बी का मान लीजिए कितना 2x, और ए का मान लीजिए एक्स डेज, 2x में कर रहा हूँ, एक्स डेज में कर रहा है। तो इसमें अगर दोनों मिलके कर लेते हैं कितने दिन में कर लेते हैं, 14 दिन में, तो एक दिन का काम निकाल लीजिए, यानी 1/x प्लस 1/2x इज इक्वल्स टू 1/14। यहाँ से आप इसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आप सॉल्यूशन इसका कर सकते हैं। आप इसे सॉल्व कीजिए तो आप जो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आएगी वही आपका आंसर होगा, यानी x की वैल्यू क्या निकल के आएगी 21। तो a इसे 21 डेज में कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, इफ बोथ द रेडियस एंड हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन आर इंक्रीज बाय 20%, इट्स वॉल्यूम विल बी इंक्रीज बाय। देखिए बोथ रेडियस और हाइट किसी राइट सर्कुलर कोन की इंक्रीज कर दी गई 20% से, तो इसमें पूछ रहा है कि जो आपका वॉल्यूम होगा वो कितने से बढ़ेगा। देखिए इसमें हाइट और वो दोनों हो रही है, देखिए वॉल्यूम क्या होता है कोन का किसी का, अगर यहाँ पे बात करें कितने से बढ़ रही है, 20% से बढ़ रही है, हाइट भी बढ़ रही है और आपकी क्या बढ़ रही है, रेडियस भी बढ़ रही है। देखिए इसमें हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, देखिए इसमें सीधा सा फॉर्मूला लगा देते हैं, 3x ठीक है प्लस 3x स्क्वायर अपॉन 100 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 100 का स्क्वायर, ये आपका पूरा परसेंटेज का फॉर्मूला लग जाएगा। इसमें आप इसमें x की वैल्यू रख दीजिए, x की वैल्यू दे रखी है वो 20 दे रखी है, जब x की वैल्यू 20 दे रखी है तो इसमें पुट करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा इसे सॉल्व करके दोस्तों, वो आएगा 72.8%। कितना आएगा 72.8%। क्वेश्चन नंबर 34 की बात कर लेते हैं, और 34 में क्या दे रखा है बात करते हैं। इसमें देखिए इक्वेशन दे रखी है, ये बताना किसके इक्वल है, 10.3 × 10.3 × 10.3 + 1 और नीचे माइनस दे रखा है। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक एरर दे रखी है, देखिए जो एरर क्या है यहाँ पे, देखिए एरर क्या दे रखी है यहाँ पे, जो एरर है आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी दोस्तों, एरर कुछ नहीं लेकिन इसमें सही दे रखा है। देखिए क्या करिए, आप 10.3 को क्या मान लीजिए, 10.3 को आप मान लीजिए ए और 1 को मान लीजिए आप बी। जब 10.3 और ए को 1 को बी मान लेंगे तो इसमें पुट कर दीजिए, जब आप इसमें पुट करेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी, इसमें बनेगी ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्योंकि 1 दे रखा है तो 1 को 1 इंटू 1 1 लिख सकते हैं इसमें, इससे कोई वो चेंज नहीं होगा इसमें। और नीचे क्या बनेगी, ए स्क्वायर माइनस ए बी, क्योंकि 10.3 में अगर 1 की मल्टीप्लाई कर देंगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस बी स्क्वायर। ये इसमें यहाँ पे क्या बनेगा, एक्सप्रेशन बन गया है इसका, जब इसको तोड़ के लिखेंगे तो ये क्या बनेगा, देखिए ये बन जाएगी किसकी इक्वेशन बन जाएगी, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन में बनेगा आपका ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आपका इक्वेशन बन जाएगी। इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए, जो आपका आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा 11.3 आंसर आज का आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 हो गया, क्वेश्चन नंबर 35 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा था, एवरेज ऑफ ए मार्क्स इन मैथमेटिक्स 4-5 स्टूडेंट वॉज फाउंड इतने, लेटर
इट वॉज डिस्कवर्ड एट इन केस ऑफ वन स्टूडेंट द मार्क्स 48 वर मिस्ड एज 84, मतलब 48 लिख दिया गया था 84 को, तो करेक्ट एवरेज हमें यहाँ पे बताने, देखिए करेक्ट क्या होगा, देखिए टोटल मार्क्स कितने दे रखे हैं फाइव स्टूडेंट के, बता एवरेज में, देखिए 50 दे रखे हैं तो 50 इंटू 5 हो जाएगा, 250 हो गया आपका एवरेज, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगर बात करें टोटल मार्क्स, अगर यहाँ पे टोटल मार्क्स की बात है 84 है, इंक्लूडेड किसकी जगह इंक्लूड करके 48 की जगह क्या 84 करना है, देखिए यहाँ पे क्या होगा 250 है यहाँ पे, अब क्या कीजिए 250 माइनस 84 प्लस 48, जब आप इसको इक्वेशन सॉल्व कर देंगे ये आ जाएगा 214 आएगा यहाँ पे, जब ये 214 आ जाएगा इट मीन्स कि करेक्ट आ गया आपका जो टोटल मार्क्स था वो करेक्ट आ गया, जो आपने गलती की थी, तो एवरेज क्या निकल गया, देखिए 214 कितने स्टूडेंट थे, फाइव स्टूडेंट थे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 42.8 आपका करेक्ट आ जाएगा, 42.8 आ जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर ए मैन कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज बट विद द हेल्प ऑफ हिज सन ही कैन डू इन 3 डेज, इन व्हाट टाइम कैन, उसका बेटा कितने दिन में, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर वो लेट कर लीजिए उसका जो सन काम करता है वो एक्स में करता है, सन का एक्स मान लिया और फादर का आपको दे रखा है, फादर को कितने दे रखा है 5 डेज में दे रखा है, तो दोनों को ऐड कर दीजिए और टोटल करते हैं 3 दिन में, देखिए क्या हो जाएगा 1/5 प्लस 1/x इज इक्वल टू 1/3, एक दिन का काम आ गया, ठीक है। अब जब एक दिन का काम आ गया तो यहाँ से आप क्या कह रहे हैं x की वैल्यू निकाल लीजिए, x की वैल्यू जो आएगी आपकी क्या जाएगी 15/2 आ जाएगी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 7/1/2 डेज आ जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 की बात कर लेते हैं, 37 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये कह रहा है ABC 750 डिवाइडेड इनटू ABC इन ए मैनर, ए बी इतने बी सी इतने एंड ए शेयर, ए का शेयर पूछा है, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, देख लेते हैं क्या है, देखिए ए बी दे रखा है हमें और आपका बी सी दे रखा है 7/13, तो ए बी सी निकाल लीजिए यहाँ पे, देखिए इसे सॉल्व कैसे करेंगे, ए बी सी ऐसे लिख लीजिए, ए बी कितना है आपका 5/2, ठीक है, बी सी कितना है आपका 7/13, देखिए इसे मैं आपको सॉल्व करने का, देखिए यहाँ पे कितना है 2, तो यहाँ पे खाली जगह यहाँ पे 2 लिख दीजिए, यहाँ पे खाली जगह तो इसका साइड वाले लिख दीजिए दोस्तों, इसमें साइड वाले लिखते हैं, अगर यहाँ पर कुछ नहीं होता इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 26 आ जाएगा ये, 14 आ जाएगा ये, 35 आ जाएगा, तो ए बी सी आ गए हमारे तीनों को, हम रेशियो को सम करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 75 आएगा तीनों को ऐड करने पे, तो 75 ऐड कर लीजिए आपने, और 75 ये कह रहा है कि ए का शेयर बताना, ए का शेयर कितना हमारा 35 है, ठीक है दोस्तों, ए का शेयर 35 है हमारा यहाँ पे, और पूछा कितने का है, ए का शेयर पूछा है, ए का कितना है 35, दे कितना रखा था दोस्तों हमें, दे कितना रखा था यहाँ पे, कितना टोटल बन रहा था 75 इंटू क्या करेंगे 750 करेंगे, तो इसको इससे काटेंगे तो कितना बच गया 10, तो कितना आ गया 350, बिल्कुल आंसर आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर हो गया 37, 38 की बात कर लेते हैं, फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव सेलेक्ट द विच कैन नॉट बी फॉर्म, जो लेटर दे रखा है एलिमेंट्री, इसमें से नीचे कौन सा लेटर आपका नहीं बनेगा, इसमें कौन सा लेटर नहीं है, अगर हम क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें, देखिए इसमें जो आपका ल्यूमन इसमें नहीं बनेगा क्योंकि इसमें कहीं पर भी यू नहीं दे रखा है, हो गया दोस्तों ये। 39 की बात कर लेते हैं, ई की वैल्यू 5 दे रखी है तो होटल 12 दे रखा है, तो हम एल ए एम बी लैम्प को क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लैम्प का कोडिट करना है, देखिए ई की वैल्यू 5 है होटल 12 दे रखा है, देखिए आप सभी को पता है ई कितने पे 5 पे है, ठीक है, जब ई 5 पे है तो यहाँ पे देखिए बात करें होटल की, आप ऐसा कीजिए होटल के जितने भी लेटर दे रखे ना सभी को आप जोड़ दीजिए, एच के वाले एच का जो नंबर है उसको जोड़ दीजिए, ओ टी ई एल सभी को आप जब जोड़ेंगे यहाँ पे, इन सभी को जोड़ दीजिए एच ओ टी ई एल, इनको जोड़ दीजिए और किससे डिवाइड कर दीजिए 5 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, तो जो आपका आंसर आएगा यहाँ पे क्या जाएगा 12 आ जाएगा, तो होटल का 12 आ गया, ऐसे ही आपकी किसका करना सेम करना है लैम्प का, किसका करना है लैम्प का, लैम्प का जितने भी लेटर हैं आप सभी को जोड़ दीजिए और किससे डिवाइड कीजिएगा दोस्तों, ये करना पड़ेगा आपको 4 से क्योंकि इसमें कितने लेटर हैं 4, तो इसलिए जो मेथड है फॉलो कीजिए, तो इसका जो आंसर आ जाएगा आपका सही वो 7 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 7 आंसर आपका करेक्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 में क्या करेगा, म्यूजिक गिटार परफॉर्मर, तो म्यूजिक के गिटार से रिलेटेड है तो परफॉर्मर है वो किससे होगा, देखिए जो परफॉर्मर, देखिए म्यूजिक गिटार परफॉर्मर जो म्यूजिक होता है गिटार बजाता है परफॉर्म करता है, तो इसी का हमें सेम बताना है, देखिए क्या कीजिए सेम बताना है, तो देखिए किसे ट्रिक रोप आर्कोपेट क्या होगा, आर्कोपेट इसका सही डी हो जाएगा 40 का। क्वेश्चन नंबर 41 की कंप्यूटर को लिखा गया FQPRXVHT और तो लैंग्वेज को क्या लिखा जाएगा, देखिए जितने भी नंबर हैं ये कंप्यूटर को क्या लिखा गया है F लिखा गया, देखिए इसमें
इंक्रीजमेंट हो रहा है, कितने का इंक्रीजमेंट हो रहा है वो देख लीजिए। अब सी के बाद क्या था, डी ई एफ, दो का इंक्रीजमेंट हो रहा है, तीन का हो रहा है सॉरी, डी ई एफ, ओ में कितने का हो रहा, पी क्यू एक का हो रहा है, दो का हो रहा है सॉरी। एम की बात करें एन ओ पी तीन का हो रहा है, पी की बात क्या करें पी क्यू आर दो का हो रहा है, यू की बात करें यू, अगर हम यहाँ पे यू की बात करें तो यू की बात क्या आएगा, यू वी डब्ल्यू एक्स तीन का हो रहा है, टी के बाद कितने का हो रहा दो, उसका हो रहा है दो का, ई के बाद तीन का, तो इट मीन्स कि पहले किसका हो रहा है तीन का, फिर कितने का हो रहा है दो का, तीन का दो का, ऐसे करके इसमें सारे चेंज हो रहे हैं। तो आप क्या कीजिए, लैंग्वेज को इसी तरह से वर्ड को चेंज कीजिए, जो आपका आंसर आएगा वो दोस्तों वो आएगा ओ सी क्यू आई, ओ सी क्यू आई एक्स सी जे जी, तो ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर आ जाएगा। 42 की बात करें, देखिए 42 में क्या दे रखा है, 25:37:49 का इसमें हमें सेम बताना है। अगर 42 की बात करें, 1425, अगर यहाँ पर 25 की बात करें क्या हो रहा है, देखिए 25 फाइव का स्क्वायर, फाइव का स्क्वायर हो रहा है ठीक है, उसके बाद सिक्स का स्क्वायर प्लस वन हो रहा है ठीक है, फाइव के बाद सिक्स का हो रहा है यानी फाइव का स्क्वायर किया ठीक है, फाइव का स्क्वायर फाइव प्लस वन सिक्स हो गया, सिक्स में क्या कर दिया प्लस वन कर दिया, तो फाइव सिक्स का स्क्वायर प्लस वन, यहाँ पे सेवन का हो रहा है, सेवन क्या कीजिए सेवन प्लस वन प्लस वन कर दीजिए, सेवन प्लस वन का होल स्क्वायर यानी 864, और 64 वन ऐड कर दिया क्या आ जाएगा 65 आ जाएगा यानी डी आ जाएगा। 43 की बात करें, इसमें से और बताना है ज्योमेट्री एलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स, देखिए इसमें से जो आंसर होगा डी होगा, क्योंकि ये ज्योमेट्री एलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री सभी मैथमेटिक्स की ब्रांच है, लेकिन मैथमेटिक्स एक अपने आप में सब्जेक्ट है। 44 की बात करें, 3759293669274836, इसमें देखिए और क्या होगा, अगर बात करें देखिए ऑप्शन नंबर ए की, ऑप्शन नंबर ए में क्या दे रखा है 3759, इनका सम करते हैं, देखिए इसमें कुछ लगाते हैं सम करते हैं, आपका 9 और 7 कितने हो जाते हैं आपके 16 ठीक है हाँ, और 5 और 3 कितने हो गए 8, तो 5 और 3 8, और वो डबल हो रहा है यानी 5 और 3 8 2 16, यानी सेकेंड और लास्ट डिजिट का डबल है, डबल है किसका, फर्स्ट और थर्ड वाली डिजिट का, तो इसमें कौन सा ऑड होगा, देखिए इसमें अगर बात करें क्वेश्चन नंबर ऑप्शन की बी, बी आपका बिल्कुल अलग है, देखिए 9 और 6 18, 3 और 5 2 क्या हो रहा है 3 2 5 हो रहा है, 5 2 10 होता है, बी यहाँ पे क्या है ऑड है, और बाकी सभी में देख लीजिए बिल्कुल सही मिलेगा। बात कर लेते हैं हमें किसे डिक्शनरी के ऑर्डर में लगाना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपका आता ही आता है ऐसा। अगर बात करें डिक्शनरी के ऑर्डर की, एफ ए एल, देखिए सबसे पहले एफ ए आएगा हमारा, एफ ए यानी पहले पहला या थर्ड आएगा, तो आपके दो ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल कट जाते हैं, बी और सी, यहाँ बी और डी आपके इनकरेक्ट हो जाते हैं, इनमें से कोई नहीं आएगा क्योंकि पहले क्या आएगा फर्स्ट या थर्ड आएगा। अगर देखिए एफ ए ठीक है, उसके बाद आएगा यहाँ पे कौन सा सी, क्योंकि सबसे पहले थर्ड आएगा, क्योंकि देखिए एफ ए आई, एल से पहले क्या आता है आई आता है, तो यहाँ पे 45 का क्या हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा। क्वेश्चन 46 की बात कर लेते हैं, अगर क्वेश्चन नंबर 46 में क्या दे रखा है 4 16 64 256, ओहो इसमें सीधा दे रखा है 4 1 4 1 4, 4 का स्क्वायर 4 का क्यूब 4 का 4, तो 4 की पावर 5, 4 की पावर 5 की बात करें तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा डी आ जाएगा 101024। क्वेश्चन नंबर 47 की बात कर लेते हैं, 137 1321, तो इसमें सीरीज बतानी है हमें क्या कौन सी बनेगी, देखिए 1 में प्लस किया हमने 2 ठीक है, 2 3 कितना हो गया ठीक है, उसके बाद 3 में कितना प्लस किया 4 किया 7 हो गया, 4 7 में कितना प्लस किया 6 किया, ओहो 13 हो गया, 13 में हमने कितना किया 8 किया ठीक है, तो इसमें कितना करेंगे, इसमें करेंगे हम 10, तो कितना हो जाएगा ये 31 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 की बात कर लेते हैं, इसमें कह रहा है ए इज़ 3 ईयर ओल्डर देन सी बट 1 ईयर ओल्डर देन डी, डी इज़ 1 ईयर ओल्डर देन बी बट 4 ईयर यंगर देन सी, सी इज़ 15 ईयर ओल्ड, वाट इज़ द एज ऑफ बी, ए 3 साल बड़ा है सी से लेकिन 1 साल छोटा है डी से, डी 1 साल छोटा है बी से लेकिन 4 साल बड़ा है सी से, सी 15 साल का है तो बी की उम्र क्या है, हमें क्या बताना है बी की उम्र बतानी है। देखिए क्या है, ए क्या दे रखा है, ए का इक्वेशन की बात करें, ए इज इक्वल टू क्या है आपका यहाँ पे सी माइनस 3 दे रखा है ओके, अगर यहाँ पे क्या दे रखा है ए की बात करें, ए किसके डी प्लस 1 दे रखा है ओके, तो डी की वैल्यू यहाँ से डी किसके बराबर हो जाएगा आपका यहाँ से बी के बराबर हो जाएगा, तो डी इजगल टू क्या हो जाएगा डी इजगल टू बी प्लस 1 ठीक है। उसके बाद डी की क्या दे रखा है, डी के बारे में दे रखा है, डी दे रखा है सी माइनस 4,
और सी कितना दे रखा है 15। ये इक्वेशन बन गई है दोस्तों। इस इक्वेशन में अगर आप पुट कर देंगे ना रख के, तो आपको यहाँ पे किसकी वैल्यू आ जाएगी, किसकी वैल्यू पूछी है, बी की पूछी है, तो बी की यहाँ पे उम्र आ जाएगी। तो बी का आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा 10 ईयर। क्या आएगा? 10 ईयर। क्वेश्चन नंबर 49, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। फ्रॉम द गिवन फिगर्स, इसमें से हमें क्या बनाना है, हिडन फिगर बतानी है कि कौन सी हिडन फिगर इसमें है। देखिए इसमें बात करें कौन सी में, आप सभी को दिख रहा होगा, सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन और आशा आता भी है। क्वेश्चन बी में आप देख सकते हैं, बी में ये जो फिगर है ये छिपी हुई है, इसमें छिपी हुई है, बी में ये फिगर छिपी हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं। 49 हो गया लास्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें से बताना है हमें करेक्ट मिरर इमेज बतानी है दोस्तों। अगर मिरर इमेज की बात करें, देखिए ये मिरर इमेज की, आप मिरर इसके यहाँ पे रख दीजिए, अगर आप अपने यहाँ पे कोई मिरर रखते हैं, जब यहाँ पे आप मिरर रख देंगे कोई भी ऐसे का मिरर रख दिया आपने, तो कौन सी बनेगी। देखिए ये शीशे की साइड है, तो यहाँ पे ब्लैक डार्क शीशे की साइड आएगा, ये यहाँ पे नीचे आएगा, ठीक है, और ये किधर जाएगा, इधर जाएगा। तो यहाँ पे जो सही क्वेश्चन बन रही है दोस्तों वो सी बन रही है, तो इसका क्या हो जाएगा, सी। दोस्तों आज का था ये रागा का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट था, दोनों लैंग्वेज में था, तो किसी दोस्त को प्रॉब्लम नहीं होगी करने में, क्योंकि ये दोनों लैंग्वेज में आप दोनों जो हिंदी और इंग्लिश वाले हैं कोई भी अटेंड कर सकता है दोस्तों, क्योंकि ये हिंदी इंग्लिश में इसलिए दिया है मैं, किया है आपके, क्योंकि जो आपका पेपर होता है दोनों सेम इसी तरह से आता है कि दोनों लैंग्वेज में होता है। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए आपको आज का प्रैक्टिस सेट कैसा लगा, आपने कितने क्वेश्चन अटेंड किए, कमेंट्स जरूर करिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे शेयर कीजिए दोस्तों के पास, लाइक कीजिए। आज के लिए दोस्त इतना ही। जय हिंद, जय भारत।